रचना देवी दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी दवाई 2 साल खा रही हूँ। अच्छा कौन सी? एक तो एलर्जी की खा रही हूँ, जो जुखाम और छींके, अस्थमा। आर केयर माजून? नहीं, वो जो देसी दवाई बताई थी ना, उन्नाव वगैरह। अच्छा बनाई है आपने? हाँ वो खा रही हूँ मैं। अच्छा उससे आराम है वैसे मेरे को? जी जी जरूर आराम होगा। मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ उससे जरूर आराम होता है, अगर आपको विश्वास हो तो। और एक मैं शरीर में जो दर्द हो, कमर में दर्द बहुत होता था ना, बहुत ज्यादा, तो उसकी भी आपने दवाई दी थी, वो सिया गोंद वगैरह बताई थी। वो भी ले रही हूँ तो, लेकिन वो दर्द ना कम नहीं हो रहा है। मैं फिर दोबारा गिर गई तो और ज्यादा होने लग गया। अच्छा देखिए, गिरने का बिल्कुल तय नहीं था और ज़्यादा हो गया। आप बहुत एहतियात करें और उसे जारी रखें। ये जो 100-200 ग्राम आप गौंद सिया खरीद लेते हैं, गौंद सिया यानी काला गौंद, ये ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। जैसे वो नाप वाला नुस्खा मैंने आपको बताया, आपको फ़ायदा होने लगा, इससे भी फ़ायदा होगा। उम्र ज़रा ज़्यादा हो तो थोड़ा कम फ़ायदा होता है, आदमी यंग हो तो ज़रा तेज़ी से फ़ायदा होता है। आप विश्वास रखें ऊपर वाले पर, और मुझ पर भी भरोसा बिल्कुल नहीं करें, लेकिन मेरे जो तजर्बे हैं आपसे शेयर करता हूँ। जिसको फ़ायदा हो वो मेरे लिए दुआ भी कर सकता है। जी इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है नीलम, जोधपुर से हमारे साथ, स्वागत है नीलम आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब नीलम जी। सर मेरे को मेरे पति के बारे में पूछना है, उनको पार्किंसन है 2004 से। अच्छा। और अभी ये स्थिति है कि मतलब टेबलेट है तब तक ठीक रहता है, नहीं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, चल नथिंग ना सब कुछ। अब एज कितनी है इस वक्त उनकी? अभी 50 है। और 50 साल है जी। अच्छा पार्किंसन कभी पूरी बॉडी में होता है, कभी हाथ में होता है, कभी गर्दन में? नहीं पूरी कंपवाद बिल्कुल नहीं होता है, पूरी बॉडी में जकड़न रहती है। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, एक तो उनको मूंग की दाल की बनी हुई सब्जी और ये सब खिलाया करिए। मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल की सब्जी, ऐसे मूंग की दाल का खूब अच्छे से इस्तेमाल कराइए उन्हें। और एक नुस्खा आप बना लें खुद ही। देखिए एक आता है गौंद जिसे कहते हैं गौंद मोरिंगा, गौंद मोरिंगा आप 100-200 ग्राम खरीद लें और उसको आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर, दूध हो तो चर्बी वाला ना हो, जो बगैर चर्बी का दूध मिलता है उसमें आप उन्हें दिया करें, और कोशिश करें कि 1 घंटा वो पैदल चल सकें रोज़ाना, तो उनको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर है रंजीत हमारे साथ, स्वागत है रंजीत आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी आदाब। अच्छा मुझे परेशानी है, तकरीबन 5-6 साल हो गया, 5-6 साल पहले मुझे बाएं पैर में दर्द हुआ और सूजन जैसा हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ कि बाएं पैर में जब भी बैठ रहा था उठ रहा था तो करकट की आवाज हो रही है। उसके बाद ये दोनों पैर के घुटने में हो गया और फिर बाएं हाथ के केहनी में भी हो गया और अभी कंधे का दोनों ज्वाइंट में भी आवाज होती है कड़कड़ की, जैसे लग रहा है कि इसका लिक्विड सूख गया, क्या हुआ पता नहीं, और दोनों ज्वाइंट में हल्का दर्द भी होता है बाजू का। ये है हमारी प्रॉब्लम। भाई आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 52 साल सर, 52 ईयर्स। ठीक है। अच्छा देखिए, हर शख्स को जीवन के 45 साल के बाद या पहले भी अब तो होने लगा ऐसे दर्द होते हैं। अगर आप कोई मेहनत का काम करते हैं तो उसे कम कर दें, वज़न उठाने जैसा काम। घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो कुर्सी वाला तो वो लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और
धनिया सौंफ मेथी, ये सब साबुत लीजिए 100-100 ग्राम धनिया सौंफ मेथी और गौंदस्या, काला गौंद इसे कहते हैं, गौंदस्या हम लोग कहते हैं, आम लोग इसे काले गौंद के नाम से जानते हैं, ये गम है काले किस्म का, भूरे रंग का जैसे ब्राउन होता है और इंतहाई कड़वा है, तो इन सब को आप पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम लगातार खाएं। ये मटेरियल ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। तो चलिए, आपका ठीक होना मुमकिन है, लेकिन आपको ये उपचार अपनाने होंगे जो अभी हकीम साहब ने आपको बताए हैं। दर्शकों, अगर हम बात करें अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसकी 500 से भी ज़्यादा हिंदुस्तान में फ्रेंचाइजी हैं। और अगर हम बात करें हकीम साहब की, तो अतिया हर्ब्स के प्रमोटर, फाउंडर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब जी, जो अपना कीमती समय निकाल के आप सभी के सामने यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हकीम साहब ये चाहते हैं कि आप लोग देसी नुस्खे अपनाएं, आप यूनानी पद्धति से जुड़े, आप समझें अपने आप को, अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। तो अगर आप लोग रोग संबंधी कोई भी प्रश्न इस कार्यक्रम में करना चाहते हैं, आप लोगों को करना क्या है, विश्वास के साथ दर्शकों नंबर्स पे कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो, हेलो, मेरा नाम राधा बस्ती है। जी राधा, सवाल कीजिए। मेरी 18 ईयर्स है, मुझे हेयर फॉल का बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे इसका सोल्यूशन बताए, मेरे हेयर कैसे ठीक हो सकते हैं। ठीक, देखिए आपकी उम्र की बच्चियां अक्सर यही शिकायत करती हैं कि उनका हेयर फॉल हो रहा है और या उनके पिंपल्स निकल रहे हैं, तो एक अच्छा इलाज है और वो काफ़ी कामयाब है। देखिए, एक नारियल पानी आप रोज़ाना पी सकते हैं, तो रोज़ाना पिया करिए एक नारियल पानी, इससे आपके बाल बहुत ग्रोथ करेंगे, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। और अगर उससे भी, वैसे इससे रुक जाते हैं और खूब ग्रोथ भी होती है, उससे भी नहीं रुके तो एक नारियल पानी में 1/2 ग्राम गौंद मोरिंगा मिलाकर पिया करें, ये बेहतरीन नुस्खा है घरेलू, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, जो बालों की समस्या आपके साथ चल रही है वो खत्म ज़रूर हो जाएगी, कम ज़रूर हो जाएगी, लेकिन ये उपचार आप अपना लीजिएगा। हकीम साहब, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स ऐसे भी जुड़े थे कार्यक्रम के बाद जो ये जानना चाहते थे। कार्यक्रम में आप दर्शकों को ये ज़रूर बताएं कि जैसे कि एक संक्रमण, एक महामारी पूरी दुनिया भर में फैली हुई है और सभी लोग अब ऑफिस जाने के लिए तो मजबूर हो ही चुके हैं, क्योंकि बिना ऑफिस जाए, बिना काम किए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ऑफिस जाने से पहले, ऑफिस से आने के बाद, या फिर सोने से पहले या फिर सोने के बाद, उन्हें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, ये जानना चाहूँगी। आपने अच्छा किया ये सवाल किया, क्योंकि ये उसी का मौसम चल रहा है और मैं भी चाहता हूँ कि लोगों को सचेत करूँ। अच्छा, देखिए, सैनिटाइज़र हम कर रहे हैं हर ऑफिस में, आपके ऑफिस में, दफ्तर में भी सैनिटाइज़र है, आते जाते हम उसको सैनिटाइज करते हैं हाथों को, और एक यूनानी का तरीका भी है सैनिटाइज, जो आपके हाथ पूरे दिन और 24 घंटे सैनिटाइज ही रहे। और देखिए, वो ये तरीका है कि तांबे के रिंग आते हैं, तांबे के रिंग आप सब समझते ही होंगे, तांबा एक धातु है जो जिसके बर्तन भी बनते हैं, तारे बनती हैं, तांबे के रिंग अपनी उंगलियों में पहने, एक इसमें दो से ज़्यादा भी पहन सकते हैं। ये तांबा एक एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक मटेरियल है, जो मेटल है, इससे आप ये करें कि जब भी हाथ धोएं अपने साबुन से या बगैर साबुन के, तो पोंछे नहीं, उनको ऐसी झटक दें, और ये तांबे से जो निकलता है जो कुछ एक तेजाब टाइप की, एक आपने देखा होगा जो तांबे के रिंग पहनते हैं उनकी वो उंगली थोड़ी सी नीली सी रहने लगती है, ये बहुत अच्छी है इस रोग के लिए जो इस वक्त महामारी चल रही है, उसके
कीटाणुओं को फौरन मार देता है। तो हर वक्त कम से कम दो रिंग तांबे की पहनिए और इससे आप पूरे दिन 24 घंटे सोते जागते सैनिटाइज रहेंगे। आपका हाथ यहाँ लगेगा तब यहाँ भी, यहाँ के जरासीम भी मर जाएंगे, कोई और जरासीम होंगे वो भी मर जाएंगे। एक ये, दूसरा घर पहुँचते ही आप सीधे बाथरूम में जाके नहाएं और अपने कपड़े वॉशिंग में डाल दें और दूसरे कपड़े पहन लें। एक ये तरीका, फासला जो मेरा और आपका है इतना फासला जरूरी है। बिल्कुल, पहले हम लोग करीब बैठते थे जी, अब थोड़ा फासला हमने भी बढ़ा दिया ताकि लोगों को भी सबक मिले। देखिए, पहले लोग अपने गरम मसाले तेज कर देते थे खाने में, आप भी जो गरम मसाले हैं ना उनमें उनकी तादाद बढ़ा दीजिए सब्जी सालन में। ये भी इम्यूनिटी के लिए है, बहुत अच्छी है। लहसुन, अदरक, जीरा, दालचीनी, ये सब बढ़ा दीजिए, जितना डालते हैं उससे दोगुना तिगुना डालने लगी है। देखिए, और पहले लोग जो पहले 100 साल पहले, हमेशा आती है 100-100 साल में ये बीमारी, पहले लोग कलौंजी का नमक आता है, नमक कलौंजी कहते हैं इसे, ये एस्टेक होता है, कलौंजी नाम की जड़ी बूटी का एस्टेक होता है, इसे आसान जबान में नमक कलौंजी कहते हैं। घर से निकले, एक या दो चुटकी पानी में मिला के पी कर निकले, घर में आए तो एक या दो चुटकी हर आदमी पिए, तो ये अंदर से सैनिटाइज करता है, ये इम्यूनिटी को फौरन बूस्ट अप करके आपको 24 घंटे की एनर्जी कामयाबी से देता है। ठीक है, इसी के साथ और कॉलर जुड़ गए। हकीम साहब बात कर लेते हैं, उमा शंकर हैं यूपी से हमारे साथ, स्वागत है उमा शंकर आपका। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार जी मैडम, हमको 7 साल के मैडम चोट पा गए थे, हम गिर गए थे, हमारे रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी मैडम, ऑपरेशन भी कराया मैडम, ठीक नहीं हो रहा है, हमारे पैर काम नहीं करते हैं। ठीक है, आपको चोट लग गई थी, आपका ऑपरेशन भी हुआ था, आपको फ्रैक्चर भी हुआ था? जी मैडम, हाँ पीछे रीढ़ की हड्डी हमारी फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा, आपके एहसास है टांगों में? जी आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी? जी सर, फिक्चर हो गई, गुड़िया चार थी, फिक्चर हो गई सर। अच्छा, आपको लैट्रिन बाथरूम का एहसास होता है? जी सर होता है, हल्का फुल्का होता है। अच्छा, कितना वक्त हो गया, कितना वक्त हो गया इसको? 4 साल। आप कि कोई बैड सोर तो नहीं हुआ, कोई जख्म तो नहीं हुआ अभी, कोई जख्म तो नहीं है? जख्म सर हुआ था, एक सर थोड़ा पीछे का लग रहा था, सर ठीक हो गया, थोड़ा हल्का सा है सर, एक बगल में सर हुआ था, सर छोड़ हुआ था हल्का, तो ठीक हो गए सर। सही बताइए, आपके अगर टांग में कोई चीज मारी जाए तो पता चलता है, नोचा जाए? जी सर, सर एक पैर में सर हल्का फुल्का सर लगता है सर, एक नहीं लगता है। अच्छा, टांग चला लेते हैं आप ऐसे हिला के? जी सर नहीं सर, चलती टांग नहीं चलती सर, हिला नहीं पाती। देखिए, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स हमारे डॉक्टर से शेयर कर लें, हमारे पास से डॉक्टर को फ़ोन करेंगे और पूरी रिपोर्ट शेयर कर लें, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। आपका सब कुछ हो चुका है, ऑपरेशन भी हो चुका है, मायूस मत होना, जो लोग आस रखते हैं वो ठीक हो जाते हैं, जो मायूस होते हैं वो ठीक नहीं होते। और कोशिश किया करिए फिजियोथेरेपी, अपने पैर आपके चले, नहीं चले तो अपने हाथ से चलाइए, कोई और चलाए, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट जरूर हो, उससे बहुत फायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है पूरन सिंह हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी, फरमाइए पूरन जी, बोलिए अपना सवाल कीजिए। मेरे 10-12 साल हो गया, गर्मी की शिकायत है। किसकी शिकायत है आपको? किडनी में जी। किडनी में क्या हुआ है? किडनी में? नमस्ते जी। जी आदाब, किडनी में क्या बताया डॉक्टर ने? मेरे 10-12 साल हो गया जी, किडनी में प्रॉब्लम है जी। नहीं, क्या दूध की शिकायत है? अच्छा, दूध की शिकायत है जी। अच्छा अच्छा, एज कितनी है बताइए? 65-66 साल। पेशाब में तकलीफ है क्या? पेशाब का पेशाब की रुक बोलिए।
पिसाव किसी का रह जाए रुक जाए जी। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, ज़्यादा उम्र में जाकर किसी को कुछ कम उम्र में भी गुदूद बढ़ जाते और पेशाब में तकलीफ़ होती है, मुश्किल से आता है या रुक जाता है या आता ही रहता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक सिरका आता है, एलोवेरा तो आप जानते ही हैं, एलोवेरा का सिरका भी आता है, एलोवेरा का सिरका ले लीजिए और दिन में एक दो बार दो दो चम्मच खाने के बाद पानी में मिला के लिया करें। मुझे उम्मीद है कि आपका ये रोग ठीक होना मुमकिन है।